नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी। एवन टीवी के खास न्यूज बुलेटिन चुनावी खबरों में आपका स्वागत है। चुनावी खबरों में आपको दिखाएंगे प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी वो खबरें जो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। राजस्थान की राजनीति के रण में रविवार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूद गए हैं। सोमवार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रदेश का दौरा करेंगे और आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में और गर्मी आने वाली है। अब खबर अलवर से, जहां रविवार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रंग की कमान संभाल ली है। मोदी अब लगातार एक के बाद एक चुनावी सभाएं कर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। अलवर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को राज्यसभा में भेजती है, क्योंकि राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं है तो कांग्रेस वहीं पर केंद्र सरकार के कामकाज को अटकाने का प्रयास करती है। मोदी ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में आस्था नहीं होने के कारण कांग्रेस के सांसद संसद नहीं चलने देते। वहीं कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलते हैं कि राम मंदिर के का केस जो है उसकी सुनवाई वर्ष 2019 से पहले नहीं होनी चाहिए। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि एक ही परिवार की चार पीढ़ियों को चार चार भारत रत्न दे दिए गए, एक ही घर में दीवारों में टके हुए हैं, लेकिन इनको बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की याद नहीं आई, यही इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव का मुद्दा नहीं है तो वे मोदी की जात पूछने लगे हैं। आखिरकार मोदी ने उनकी जाति पर सीपी जोशी के द्वारा उठाए गए सवाल को एक बार चुनावी सभा में फेंक ही दिया, तो इससे लगता है आने वाले समय में ये सवाल और ज्यादा उठेगा और मोदी हो सकता है इसको गुजरात की तरह ही मुद्दा बनाने का प्रयास करें। प्रत्याशी और विशाल संख्या में पधारे हुए अलवर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महान त्यागी, तपस्वी और दार्शनिक राजा भर्तृहरि की धरती को उठो, मीन भगवान। अब खबर बाड़मेर के बालोतरा और सुमेरपुर से, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे पर रहे। इस दौरान गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, साथ ही कहा कि बीजेपी के राज में लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री था तो भूख से मरना तो दूर, किसी को भूख से सोने भी नहीं दिया। वसुंधरा जी, जब जब भी सत्ता में आती है मौजूदा सरकार की योजनाओं को चुन चुन कर बंद कर देती है या फिर नाम बदल देती है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं, लेकिन जब बाढ़ ही खेत को खाए तो फिर रक्षा कौन करे। उन्हें रफाल मुद्दे पर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। गहलोत ने मोदी के बयान न खाऊंगा न खाने दूंगा पर भी निशाना साधा। गहलोत ने पाली के सुमेरपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और यहां रंजू रामावत के लिए वोट मांगे। इससे पूर्व गहलोत का दोनों ही स्थानों पर स्थानीय नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली के सुमेरपुर में और बालोतरा बाड़मेर के बालोतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की रीतियां नीतियों को गिनाया, साथ ही बीजेपी की केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार पर भी सीधा प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है और ये लगातार लोगों की भावनाएं भड़का कर लोगों के वोट लेना चाहती है, लेकिन अब देश की जनता, प्रदेश की जनता इनकी भावनाओं को समझ गई है और इन चुनाव में इन्हें करारा जवाब देगी। आप देख सकते हैं अशोक गहलोत की सभा में किस तरह से जनसैलाब उमड़ा है।
ये बालोत्रा में है, बालोत्रा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सुमेरपुर में भी कांग्रेस प्रत्याशी रंजू रामावत के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान भी लोगों ने बड़ी संख्या में उनको सुना। गहलोत जहां भी चुनावी सभाओं में जाते हैं वो राज्य की वसुंधरा सरकार और केंद्र की पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूकते हैं। उन्होंने सीधा सीधा साफ तौर पर जनता से आह्वान किया कि वो राजस्थान में वसुंधरा सरकार को उखाड़ फेंके और कांग्रेस को एक बार फिर से जनता की सेवा का अवसर दें। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का जनसैलाब उमड़ा है बालोत्रा में भी और सुमेरपुर में भी, और अशोक गहलोत जिस तरह से लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं प्रदेश का और लगातार एक के बाद एक विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं धुआंधार तरीके से, और इसी तरह सचिन पायलट भी लगातार पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वसुंधरा राजे भी बीजेपी का प्रचार कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान की राजनीति है उसमें गर्माहट आ गई है। हालांकि अभी मौसम सर्दी का है लेकिन राजनीति सियासत की गर्मी कहीं कहीं बढ़ रही है। अब सीधे चलते हैं बालोतरा जहां सवाई सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाई, किस तरह का माहौल देखा गया, क्या वहां लगता है जो अशोक गहलोत के आने के बाद जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहीं बिखराव की स्थिति थी उसमें कहीं एकजुटता आएगी, लोग एकजुट होंगे? जी नीरज, जैसे ही अशोक गहलोत जी आए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल नजर आया और कांग्रेस के नारे लगाए गए। आपको लगता है जो वहां के स्थानीय नेताओं में नाराजगी है वो दूर हो पाई कुछ हद तक, या फायदा मिलेगा अशोक गहलोत जी के वहां जाने से? जी नीरज जी, लगातार जो कांग्रेस की ये बागी बगावत नजर आ रही थी वो अब सभी नेता एक मंच पे नजर आए, तो आपको लगता है कि इसका आने वाले चुनाव में फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल। तो ये थे सवाई सेन, जिन्होंने बताया कि अशोक गहलोत के वहां पे रैली करने से, चुनावी जनसभा को संबोधित करने से कांग्रेस प्रत्याशी को कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उन्होंने एक तरह से जान फूकने का काम किया, जोश फूकने का काम किया। अब खबर झालावाड़ के डग से जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सीएम राजे को उनके ही गृह जिले में घेरने का प्रयास किया। पायलट ने डग और दिग्विजय सिंह ने चोमेला में चुनावी सभा को संबोधित किया। पायलट ने वसुंधरा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजरी माफियाओं और सड़क निर्माण घोटालों में स्थानीय नेताओं पर सरकार की मेहरबानी रही है जिससे आम आदमी पिसता गया और बजरी के कारण लाखों निर्माण श्रमिक 2 जून की रोटी के लिए तरस गए। कांग्रेस सरकार आएगी तो इस समस्या का समाधान करेगी। पायलट का यहाँ जोरदार स्वागत किया। पायलट को देखते ही वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ। अब खबर राजसमंद जिले के नाथद्वारा से जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी को चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है। उनके अभिकर्ता ने बताया कि चुनाव आयोग के सामने शिकायतकर्ता ने जो सबूत पेश किए थे वो तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं और उनके भाषण का गलत अर्थ निकाला गया है। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि उनका जो भाषण था उसमें इस तरह की बात कही नहीं गई थी, लेकिन चुनाव आयोग को जो सबूत दिए गए उसमें जानबूझकर इस भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने अपनी बात रखी है, अब असली फैसला चुनाव आयोग को करना है कि वो क्या निर्णय करता है। लेकिन जो सीपी जोशी की कहीं जो परेशानियां बढ़ गई थी वो लगता है उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि सीपी जोशी ने जो ओरिजिनल वीडियो था जो उस दिन चुनावी सभा में उन्होंने बोला था वही वीडियो चुनाव आयोग को पेश किया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने जो कहा है उसको गलत तरीके से प्रसारित किया गया, वितरण किया गया, उनका कहने का अर्थ कुछ और था लेकिन उसका अर्थ कुछ और लगाया गया। अब खबर झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे से जहां रविवार को मुख्यमंत्री के दौरे से पूर्व ही बीजेपी को करारा झटका लगा है। चिड़ावा में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व नगर अध्यक्ष बाबूलाल जांगिड़ ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। जांगिड़ का आरोप है कि पिलानी विधायक सुंदरलाल और उनके बेटे ने स्थानीय लोगों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें अपमानित किया। इसकी शिकायत के बावजूद बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को ही चुनाव मैदान में उतार दिया। इससे नाराज होकर पार्टी के कई नेता पहले से ही पार्टी छोड़ चुके हैं और अब वे भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस प्रत्याशी जेपी चंदेलिया को समर्थन देने जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से
जो रणधीर बुढ़ानिया है इस तारे नेता, वो भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया और उन्होंने भी कांग्रेस उम्मीदवार जेपी चंदेलिया का समर्थन किया। इस दौरान जांगीर और रणवीर भिंडर दोनों का, रणधीर सिंह का कहना था कि बीजेपी ने यहाँ पर जो कार्यकर्ता थी उनकी उपेक्षा की। आपको बता दें कि सुंदरलाल काका के खिलाफ वहाँ पर स्वर्ण समाज ने एक अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि जो मौजूदा विधायक है सुंदरलाल, उन्होंने कोई अभद्र भाषा का उपयोग किया था, उसको लेकर वहाँ ब्राह्मण समाज और अन्य समाजों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सभी समाजों ने मिलकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कहा था कि सुंदरलाल को टिकट नहीं दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। इससे वहाँ जो स्वर्ण समाज है उनमें नाराजगी है और नाराजगी देखने को भी मिल रही है। अब खबर जयपुर से, जहां टिकट बंटवारे से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता उर्फ बाऊजी, पूर्व शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा अभी भी नाराज ही है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे हवामहल को छोड़कर राज्य की सभी 199 सीटों पर पार्टी का प्रचार करेंगे, लेकिन हवामहल में तब तक प्रचार नहीं करेंगे जब तक पार्टी उन्हें ये बता नहीं देती है कि आखिरकार उनका टिकट क्यों काट दिया गया। आपको बता दें कि ब्रजकिशोर शर्मा पिछला चुनाव हवामहल से हार गए थे और इस बार टिकट के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काटकर जो पूर्व सांसद रहे हैं महेश जोशी, उनको टिकट दे दिया है। ऐसे में ब्रजकिशोर शर्मा की नाराजगी जायज है, लेकिन उन्होंने अभी तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफत नहीं की है। उनका साफ कहना था कि वो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे, 199 सीटों पर वो प्रचार करेंगे, लेकिन एक सीट यानी हवामहल पर वो प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन इसके दो दिन पूर्व उनके बेटे ने भी कांग्रेस पार्टी को इसके लिए भला बुरा तक कहा था। आप खुद ही सुन लीजिए ब्रजकिशोर शर्मा क्या कह रहे हैं। जहां तक राजस्थान के विधानसभा चुनाव का ताल्लुक है 2018 के, मैं हवा महल को छोड़कर राजस्थान की 199 सीटों पर कांग्रेस का काम करूंगा और कल ही अर्चना शर्मा जी के, अमीन जी कागजी के और रफीक साहब के कल चुनाव प्रचार में जाऊंगा और उसके बाद जो भी मुझे बुलाएगा या मैं जहाँ जरूर समझूंगा उस चुनाव में भी मैं जाऊंगा। ये थे पूर्व शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा, जिन्होंने साफ कहा कि उनकी नाराजगी है और नाराजगी जायज भी है, क्योंकि वो पिछला चुनावी हवा मेल से हारे थे। अन्य हारे हुए प्रत्याशियों को उम्मीदवार रहे उनको टिकट मिल गया, लेकिन बाबूजी का टिकट कट गया, इससे वो नाराज चल रहे हैं। उनके परिवार में भी इसको लेकर खासा आक्रोश है। आपको बता दें कि ब्रजकिशोर शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, स्वर्गीय पूर्व पंडित नवल किशोर शर्मा के सुपुत्र है और इस बार उनका टिकट काट दिया गया, इसको लेकर ब्रजकिशोर शर्मा के साथ साथ उनके पूरे परिवार में नाराजगी है। उनका कहना है कि जब अन्य नेता पुत्रों को टिकट दिए गए हैं तो फिर आखिरकार मेरा क्या कसूर, मेरा ही टिकट क्यों काटा गया। और जिस तरह की बात वो बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है, कांग्रेस पार्टी का प्रचार भी करेंगे, राजस्थान के अन्य सीटों पर वो प्रचार करने जाएंगे। आखिरकार वो जाएंगे कब ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो कम से कम इस बात को कह तो रहे हैं कि वो बगावत नहीं करेंगे। लेकिन जिस सीट से वो दो बार विधायक रहकर मंत्री बने हैं वहाँ उस सीट पर वो प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नाराजगी है और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें ये बात बताएंगे नहीं कि आखिरकार उनका टिकट क्यों कटा है, क्यों काटा गया, टिकट काटने का कारण कोई नहीं बताएगा, तब तक वो रूठे रहेंगे। यानी कि अभी भी बाऊजी रूठे रहेंगे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की अन्य सीटों पर प्रचार करने जा सकते हैं यदि कोई उन्हें बुलावा दे या बुलाए। आप देख सकते हैं बाऊजी ने किस तरह से अपनी बात जाहिर की है और अपनी नाराजगी भी प्रकट करने का एक तरीका होना चाहिए, और उन्होंने उसी तरीके से अपनी बात लोगों के समक्ष रखी है, जनता के सामने रखी है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक भी पहुंचाने का प्रयास किया है। हालांकि दो दिन पूर्व ही उनके बेटे ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भला बुरा कहा था, नारेबाजी की थी और कई सवालिया निशान खड़े कर दिए थे, लेकिन आज जिस सभ्य तरीके से
ब्रिजकिशोर शर्मा ने अपनी बात रखी है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं बाबूजी का जो रोष है, गुस्सा जायज है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी उनकी वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए उनसे बात करनी चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, जिस तरह की बात बाबूजी कह रहे हैं, बाबूजी ने साफ कहा कि यदि उन्हें वरिष्ठ नेता नहीं मनाएंगे, उनकी बात उनसे बात नहीं करेंगे, हवा महल से टिकट क्यों काटा गया इसका जवाब नहीं देंगे, तब तक वो हवा महल में प्रचार नहीं करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं बाबूजी के बयान को? देखिए सर, नीरज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हवा महल से ब्रजकिशोर शर्मा पहले विधायक रहे थे और मंत्री रहे थे, और अब उनका उनकी जगह टिकट काटकर महेश जोशी को टिकट दे दिया गया है, उसमें उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर है। और जो उनका कल एक बयान आया और उस बयान के बाद जो स्थिति स्पष्ट हुई कि उनका कहना यह है कि वो 199 सीटों पर राजस्थान में प्रचार करेंगे, लेकिन हवा महल की सीट पर वे जब तक प्रचार नहीं करेंगे तब तक पार्टी उन्हें स्पष्ट रूप से संतुष्ट जवाब नहीं देगी कि उनका टिकट क्यों काटा गया या फिर उन्हें आगे के लिए पार्टी में क्या मिलेगा, पद क्या नहीं मिलेगा, उसके लिए पूरी तरह जो स्थिति स्पष्ट नहीं होगी जब तक वे हवा महल सीट पे प्रचार नहीं करेंगे। जी नीरज जी। दिनेश, ब्रिजकिशोर शर्मा क्योंकि दौसा जिले के रहने वाले मूलतः है, इनका दौसा में भी अच्छा प्रभाव है, इनके पिता श्री अलवर में भी सांसद रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि दौसा जो ब्राह्मण बहुल्य सीट है उन पर ब्रिजकिशोर जी का भी कुछ असर है, तो ऐसे में पार्टी को इनको मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा माना जा रहा है और ये सही है बात कि इनके पिताजी जो बाबूजी के पिताजी रहे हैं, नवल किशोर जी बाबूजी जो थे वो राज्यपाल भी रहे हैं, और उनका अच्छा ब्राह्मण समाज में एक वर्चस्व है। ऐसे में पार्टी को कहीं ना कहीं इस चीज का, अगर उनकी नाराजगी स्पष्ट है और वो नाराजगी पार्टी के सामने जाहिर है और पार्टी कोई उनको मनाने का प्रयास नहीं करती है, तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है हवा महल क्षेत्र में। दिनेश, वो हवा महल में प्रचार नहीं करेंगे जबकि हवा महल से वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री बने हैं, उनका पकड़ भी है वहां पे, उनके कार्यकर्ता अच्छी फौज भी उनके पास है, यदि वो वहां सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे तो पार्टी को हो सकता है किसी न किसी तरह का नुकसान हो, तो क्या पार्टी के नेताओं ने कोई विचार विमर्श किया है कि वो बाबूजी को मनाएंगे, ब्रिजकिशोर जी को मनाएंगे? जी बिल्कुल, अभी तक इसी तरह की कोई खबर नहीं है किन नेताओं से उनकी बात हुई, हालांकि आज उन्होंने जो किशन पोल में अमीन कागजी के समर्थन में वोट मांगे और मालवीय नगर में अर्चना शर्मा के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट मांगे, वो कल उनके बयान में ये साफ बात थी कि मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के साथ रहकर कार्य करूंगा, लेकिन जो नाराजगी है वो हवा महल सीट की है, क्योंकि पार्टी जब तक स्पष्ट रूप से संतोष पूर्वक उनको जवाब नहीं देगी कि उनका टिकट क्यों काटा गया, मतलब तब तक वे हवा महल सीट पर प्रचार नहीं करेंगे। मतलब दिनेश, वो काम पर तो लग गए एक तरह से, पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। दिनेश, वो काम पर लग चुके हैं, यानी कि प्रचार प्रसार में तो लग गए हैं, अब सिर्फ उन्हें इंतजार है कि हवा महल के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट करे। जी जी। दिनेश, दो दिन पहले इनके बेटे ने आक्रोश जताया था कांग्रेस मुख्यालय पर आकर, जिस तरह का प्रदर्शन किया था उसके बाद काफी उनकी आलोचना हुई थी, क्या उस पर भी इन्होंने कोई टिप्पणी दी है? जी बिल्कुल, वो जो उनका बयान आया उसमें उन्होंने कही, और हमने भी जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि मेरा बेटा और मैं पूरी तरह पार्टी के प्रति समर्पित हैं और वो टॉप में, उनके जो बेटे हैं वो टॉप में प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उनकी नाराजगी सिर्फ हवा महल सीट पे है और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनको संतोष पूर्वक जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक वो नाराजगी है। बिल्कुल दिनेश, ये तो दिनेश कसाना जो बता रहे थे कि किस तरह से ब्रिजकिशोर शर्मा जी की नाराजगी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किशनपोल और मालवनगर इलाके में कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके बेटे का जो गुस्सा था वो तात्कालिक था और होना भी चाहिए, विरोध प्रकट करने का अधिकार है, घर में भी जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, बात नहीं मानी जाती है, तो आदमी अपना विरोध प्रकट करता है, और शायद बेटे ने भी जोश में आकर इस तरह का आवेश में आकर इस तरह का विरोध प्रकट किया होगा, लेकिन उनकी भावनाएं पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। अब चलते सीधे अलवर, जहां पर शिवसेना प्रत्याशी का समर्थन किया करने सेना और वहां के जो समता आंदोलन से जुड़े लोगों ने, शेखर क्या समर्थन किया, आखिरकार क्यों समर्थन किया, कांग्रेस बीजेपी वहां मैदान में है, आज प्रधानमंत्री भी वहां चुनावी सभा में आए थे, उसके बावजूद लोगों ने शिवसेना का समर्थन किया, आखिरकार क्या है इसके पीछे सोच? शेखर,
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे। अलवर की राजनीति में चुनाव के दिन आज एक बड़ी खबर है कि शिवसेना को समता आंदोलन और करणी सेना ने समर्थन दिया है। समता आंदोलन के समर्थन देने से आज कहा जा सकता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। शिवसेना के प्रत्याशी सीएससी किशन गुप्ता हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने समर्थन लिया है उसका क्या फायदा मिलेगा। उनके साथ 5,000 कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और बिल्कुल डेडिकेट कार्यकर्ता हैं। वो चाहते हैं अलवर का डेवलपमेंट हो, जैसे कि क्रीमी लेयर रिजर्वेशन है उसके ऊपर लागू किया जाए। और इन्होंने समर्थन देने से पहले उनको साइन किया है हमने और उनको हम अगर विधानसभा में जरूरत पड़ी तो उनको लागू करवाने की कोशिश करेंगे। शेखर, क्या समता आंदोलन से जुड़े हुए लोग यहाँ पे हैं? शेखर क्या समता आंदोलन से जुड़े लोग यहाँ पर हैं, मौजूद है? करणी सेना और शेखर क्या यहाँ पे समता आंदोलन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान किया है कि वो शिवसेना प्रत्याशी सी एस श्रीकृष्ण का समर्थन कर रहे हैं। शेखर क्या यहाँ पे समता आंदोलन है, शिवसेना के लोग हैं, करणी सेना के लोग हैं, जिनसे बात करा सकते हैं आप सीधे? शेखर आपके साथ करणी सेना के लोग, समता आंदोलन के लोग जुड़े हुए हैं क्या? उनसे जानेंगे आखिरकार क्यों समर्थन किया, क्या कारण है इसके पीछे, आप पूछिए उनसे। क्या लगता है करणी सेना का समर्थन मिल रहा है, समता आंदोलन को मिल रहा है, क्या कुछ फायदा मिलेगा? जरूर मिलेगा। अलवर शहर के लिए डेडिकेटेड है सीएससी गुप्ता जी और इनके समर्थन से बहुत फायदा मिलेगा, शहर का विकास। आंदोलन जैसा की बात कर रहे हैं, करणी सेना ने समर्थन किया है तो शिवसेना के समर्थकों में और उनके प्रत्याशी में काफी उत्साह आया है और माना जा सकता है कि समता आंदोलन के जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने भी उन्होंने धरने प्रदर्शन किए अपनी मांगों को लेकर, उनमें जो जनरल कास्ट है उन्होंने काफ़ी उनका समर्थन किया और शिवसेना प्रत्याशियों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना लग रही है। अब तक ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही सीधी टक्कर है, लेकिन समता आंदोलन और करणी सेना ने जिस तरह से अचानक शिवसेना को समर्थन दिया है, क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि वैश्य समाज की ओर से शिवसेना ने प्रत्याशी उतारा है, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ने इस बार वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व नहीं किया प्रत्याशी उतारने में, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला होने की यहाँ संभावना बनी हुई है। नीरज, बिल्कुल शेखर आपका धन्यवाद। आपका ये थे शेखर जो बता रहे थे कि अलवर में किस तरह से शिवसेना का समर्थन किया है समता आंदोलन ने और करणी सेना ने, क्योंकि इन दोनों के समर्थन से शिवसेना प्रत्याशी को कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी में ही सीधी टक्कर है, लेकिन क्योंकि समता आंदोलन का भी काफ़ी अच्छा नेटवर्क है और करणी सेना का भी नेटवर्क है, तो अब देखना यह है कि शिवसेना प्रत्याशी को इन दोनों के समर्थन से कितना लाभ मिलता है। अब खबर जयपुर से ही, जहाँ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री के आरोपों पर पलटवार किया। खेड़ा ने कहा कि किसान खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं, किसान परेशान है, और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि किसान परेशान नहीं है, जबकि आपको बता दें कि एक आधार कार्ड पर एक ही यूरिया का कट्टा मिल रहा, जिससे किसानों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, और वो ही नहीं सीएम राज्य के गृह जिले में भी हाल बेहाल है। लेकिन शेखावत जी को क्या कहें, उन्हें तो किसानों की परेशानी नजर ही नहीं आ रही। गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान जारी कर कहा था कि किसान कहीं भी परेशान नहीं है, किसानों को पूरा यूरिया मिल रहा है। उस पर पवन खेड़ा ने कहा कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत है केंद्रीय मंत्री, उनको किसानों की परेशानी नजर नहीं आ रही है। ये तो देखा आपने चुनावी खबर में राजस्थान के राजनीति से जुड़ी तमाम वो छोटी बड़ी खबरें देखी जो छोटे से कस्बे से लेकर शहर से लेकर गांव से लेकर ढाणी तक की थी। चुनावी खबर में आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।